Okay, so Rishabh, Booth play kar rahe hain. How much fun it was for you to play Booth ka character? Yeah, when it came to me, na, तो मुझे भी लगा था कि ऐसा करूँगा वैसा करूँगा और ये पावर्स होंगी वो पावर्स होंगी. पर जब पढ़ा मैंने तो मैंने रियलाइज़ किया कि ये उतना ही रेगुलर इंसान है जितना हर कोई होता है. पर है भूत, इसकी मौत हो चुकी है और पावर्स इसके पास है नहीं. बट हैविंग सेड दैट, आई थिंक द इमोशन ऑफ लव अटैच टू हिम इज़ द बेस्ट थिंग दैट आई लाइक टू प्ले. सो आई वॉज वेरी हैप्पी है वेरी. एंड मज़ा एक्चुअली तब है कि अब मैं जब शूट कर रहा था तो मुझे कितना कुछ खास पता नहीं चलता, पर जब ये पूरा बन जाएगा तब मुझे भी रियलाइज़ होगा कि कभी कभी ऐसा होता है कि मैंने वो शॉट दिया हुआ है पर उन लोग मुझे उस सीन से गायब कर देंगे, राइट. तो द होल फन इज़ इन पीपल टॉकिंग टू समबडी हु इज़ नॉट देयर, राइट, क्योंकि आप मुझे देख ही नहीं सकते. तो दैट कॉमेडी इज समथिंग दैट आई रियलाइज आफ्टर आई वॉच इट. तो मैं उसके लिए बड़ा एक्साइटेड हूँ. यू नो, कभी कभी हंसी आती थी इस चीज़ को लेकर कि यार मैं एक्ट कर रहा हूँ, कोई देख नहीं पा रहा है, इस चीज़ को लेकर कभी-कभी. नहीं, पता है मेरा इनफैक्ट अलग है. अगर आप मेरे को कैमरा के सामने अकेला छोड़ दें, करेक्ट, और मुझे कोई नहीं देख सकता, इसका मतलब मैं किसी से बात नहीं कर सकता. इसके बाद मेरी लाइन्स मेरी लाइन्स हैं. तो मैं अपनी आई थिंक आई कैन डू रियली वेल व्हेन आई हैव टू डू सेल्फ एक्टिंग. सो इट्स ऑलमोस्ट एज इफ क्या मेरी बात सुन सकते हैं. अरे नहीं सुन सकता यार, छोड़. मेरे को ये एक्टिंग बड़ी बहुत मज़ा आता है क्योंकि इसमें आई डोंट हैव टू वेट फॉर अ रिएक्शन ऑफ अनदर एक्टर एंड देन एक्सपेक्ट और होप दैट वी गेट इट राइट. राइट, आई हैव फुल कॉन्फिडेंस इन माई सेल्फ एंड आई एम बाय माई सेल्फ. और मुश्किल उनके लिए होता था क्योंकि मैं ज़्यादा करता था तभी. कुछ कुछ टेक्स में मैं ऐसा करता, आपको आवाज़ आ रही है, और बहुत बार ऐसे लोग रिएक्ट कर जाते थे कि अरे हाँ क्यों देखा मुझे, चलो उधर देखो, वापस टेक करो. और मैं कुछ भी करूँगा आप मुझे नहीं देखोगे. तो ऐसे भी बहुत सारा टाइम होता था जब हम क्राउड्स के बीच में शॉट्स कर रहे थे, तो अब क्राउड को भी समझाना पड़ता था कि ये नहीं दिखते आपको तो आप क्या करोगे. तो उनके लिए भी और मैं जानबूझ के कभी कभी उनके लिए मुश्किल कर दूं कि उनके भी सामने आके खड़ा हो जाऊं. जा नहीं सकते क्योंकि इफ दे गो दे हैव टू गो आर पार. अब आर पार स्टैंडिंग शॉट में तो होगा नहीं. तो दैट वाज फन. भूतपूर्वा भूत एंड पूर्वा. सी आई थिंक भूत एंड पूर्वा आर टू पीपल दैट मीट एंड दे मीट फॉर अ रीजन. अब दोनों की जिंदगी में ना हल्की हल्की खामियां हैं जो वही पूरी कर सकते हैं एक दूसरे के लिए. आरफ की जिंदगी में एक ही चीज़ है जो बहुत चाहता है, जो कि है प्यार. पूर्वा की proving to the world, to the family, to himself वाली एक issue है या एक खामी है. तो भूत help कर लेता है और कभी कभी पूर्वा भूत को help कर देता है. तो I think it's a relationship that gets stronger by every episode. पर शायद वो सिर्फ तब तक है जब तक ज़रूरत है. तो मुझे as characters अभी भी नहीं पता कि क्या ये सच में दोस्त हैं या शायद ज़रूरत है. कभी कभी आप किसी चीज़ के साथ या किसी व्यक्ति के साथ कुछ टाइम स्पेंड कर ले तो भी आदत हो जाती है. इसका मतलब ये नहीं होता कि आप मोहब्बत करते हैं, वो आदत हो सकती है. तो हमने ये क्लैरिफिकेशन नहीं मांगा है, ना ही हम चाहते हैं, क्योंकि वी लाइक टू टेक इट एज इट कम्स. और इंशाल्लाह सीजन टू हुआ तो फिर उसमें क्लियर कर लेंगे. ये तो शो की बात, लेकिन रियल में पर्सनली भी ये कन्फ्यूजन है कि क्या हम सच में नहीं, 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 नहीं. रियल में तो जेन्युइनली कोई कन्फ्यूजन नहीं है. हम दोस्त नहीं हैं. मजाक कर रहा हूँ. एनी वे आई एम जस्ट जोकिंग. नहीं यार, ऑफकोर्स आफ्टर स्पेंडिंग 30 days विद हिम आई ऑल्सो नो दैट इट्स वेरी कम्फर्टेबल. बिकॉज मुझे तो ओमकार एज एन एक्टर इज वेरी ऑनेस्ट एज अ पर्सन एक्चुअली. वो छुपा नहीं पाता, उसके चेहरे पे तो पहले ही आ जाता है कि उसको ऐसा ऐसा फील हो रहा है या अच्छा लगा या बुरा लगा. तो वो ऐसा है एंड आई थिंक आई एम गुड विद रीडिंग हिज फेस नाउ. तो उसको भी पता होता है. तो हमको पता होता है कि अच्छा क्या हुआ यहाँ पे, मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया क्या एक्टिंग करने के टाइम. ऐसा होता है ना कि आपको लगता है कि अरे. तो हमारा बहुत क्लियर है आई थिंक. हमने तो ये भी सोच लिया कि मैं, जोआ और ओमकार एक साथ में ट्रिप करेंगे एज ऋषभ, जोआ एंड ओमकार. बिकॉज इट्स ग्रेट यार. इट्स दीज आर टू पीपल दैट आई एम रियली ग्लैड दैट आई मेट. हाँ हाँ, तीन तरफा प्यार, ये हमारे ग्रुप का नाम है. तो अब कौन किससे ज़्यादा प्यार करता है हमको भी नहीं पता. कि मुझे लगता है कि मैं और ओमकार ज़्यादा थिक है, सबसे थिक हमारी दोस्ती है. ओके, अगर जोया और ओमकार में से किसी एक को वो पूछा जाए कि कौन सबसे ज़्यादा क्लोज है तो वो कौन होगा? मेरे लिए? यस. ओमकार या जोया? ओमकार डेफिनेटली. इसके अलावा टॉकिंग अबाउट भूतपूर्व, किस तरीके से आपने चूज किया इस प्रोजेक्ट को करने के लिए, उसके बारे में बताइए.
यार मेरे पास जब स्क्रिप्ट आई थी तो आई जस्ट न्यू दैट दिस वॉज समथिंग दैट आई वुड लाइक टू डू एंड दे वॉन्टेड मी टू टेस्ट फॉर इट एंड जहाँ तक मैं कंसर्न हूँ मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि वो प्रोसेस बहुत सही है कि मैं ऑडिशन करता हूँ, क्योंकि मुझे उसमें होता क्या है कि मुझे भी पता चल जाता है कि मैं कैसे ये कैरेक्टर प्ले कर सकता हूँ. तो जब मेरे पास आई तो मैंने पढ़ते ही मुझे पता था कि यार ये मुझे करना है, बिकॉज स्कोप बहुत था. एंड इट्स ऑलवेज गुड टू कीप ब्रशिंग अप योर कॉमेडी, बिकॉज इट्स समथिंग दैट यू कैन लूज़. वो टाइमिंग एक चीज़ होती है जो नहीं आती है, तो आप उसको हल्के हल्के मतलब प्रैक्टिस करते रहे तो आपके लिए अच्छा है. सो आई वॉज वेरी कीन यार. आई वॉन्टेड टू वर्क विद Z5 आफ्टर फाइनल कॉल. आप मानोगे नहीं, मैं फाइनल कॉल देख रहा था और मुझे Z5 के साथ शो करना था, मैंने ऐसा सोच लिया था. उस टाइम पे कुछ और मांग लिया तो वो भी मिल जाता, हालांकि मैंने यशराज भी सोचा था, हुआ नहीं. पर नहीं यार, मैं मजाक कर रहा हूँ कि ना, आई वाज रियली हैप्पी यार. अरे हमारे DOP जो थे अभिषेक बासु और ज़ीशान सर, ये दो लोग हैं जो मतलब कहीं से भी आ सकते हैं कहीं भी, तो इनके साथ मस्तियाँ हुई हैं और हमने भी किए हैं. पर एक दायरा होता है ना रिस्पेक्ट का जो आप मेंटेन करते हैं, उसमें रह के हमने किए बहुत सारी मस्ती और एक्टर्स के बीच में तो बहुत हुई है. ओके, अभी हम मैं जब देख रही थी आपके इंटरव्यूज, तो जब यू नो लोग कह रहे थे कि हॉरर कॉमेडी, तो आपने एक मतलब एक चीज और ऐड की है, वो है हॉरर कॉमेडी लव स्टोरी. करेक्ट. तो क्या इसमें लव ट्रायंगल देखने मिलने वाला है? हाँ, डेफिनेटली मिलेगा. डेफिनेटली. हाँ. ओके, इसके अलावा एक कोई मेमोरी ऐसी शेयर करना चाहेंगे शूट की, सेट की? एक मेमोरी पता है बहुत मुश्किल होता है ऐसे एक मेमोरी सोचना. आपके लिए बेस्ट यह पता है मेरा क्या है कि आई थिंक आई एम वेरी हाईली अट्रैक्टेड टू रोमांस सीन्स, लाइक यू नो वेर क्लीन लव. व्हेन आई से आई डोंट मीन फिजिकल लव एट ऑल, आई मीन क्लीन लव. सो व्हेन माय फर्स्ट सीन विद ज़ोआ वाज हैपनिंग ना, ऑल द लव दैट आई हैड इन माय हार्ट दैट आई वांट टू एक्ट एंड यू नो गिव आउट, आई हैव पुट इन टू दैट वन सीन. सो आई वॉज वेरी हैप्पी दैट डे कि आई वॉज लाइक यार दिस इज एंड इट्स वेरी अनलाइक मी. Like I haven't ever proposed a girl in my life, never gone down my knees, but I do that in the show. So it was one of the best days, yeah, for sure. Okay, इसके अलावा Mother's Day आ रहा है. क्या special plans करके रखे आपने Mother's Day? यार कुछ नहीं, हमने कुछ ऐसे सोचा नहीं है, पर मम्मी जो मांगी उनको मिल जाएगा. जो मांगी special, ये मेरा special ये होता है कि मैं बहुत बड़ा foodie हूँ, मेरी mom भी बहुत बड़ी foodie है. तो आई विल थिंक there's a place in Warsaw that Omkar had taken me. So I want to take her there since a long time. So Mother's Day पे अब मैं उनको वहाँ लेके जाऊँ. Okay, any upcoming projects you would like to share? Yeah, no. Today is about Bhutpurva, so I'd like to keep it that way. पर हाँ, दो चीज़ें और आ रही हैं. आप लोग जल्दी देख लेंगे.